गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। वेलकम टू अहम बायोलॉजी क्लासेस। सब्सक्राइब करें अहम बायोलॉजी क्लासेस को एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू। माय नेम इज अमृत एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे, हम DSSSB का 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2014 का, इसको हम पूरी अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे, दिस इज पार्ट 1। इसके बाद की वीडियो में हम नेक्स्ट 10 MCQ डिस्कस करेंगे। और ये नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ DSSB के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, KVS PGT की, NVS PGT की, UP PGT की, EMRS की, सबके लिए ही इक्वल इम्पॉर्टेंट है। तो डोंट थिंक ये सिर्फ DSSB के लिए है, क्योंकि देखो क्वेश्चन जो होते हैं यहीं से घुमा फिरा करके आते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज का सेशन पार्ट 1। तो डिस्कस करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इनमें से कौन सा करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस है किसका, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, देन फैमिली, देन स्पीशीज, ट्राइब। बी है फैमिली, देन ऑर्डर, देन जीनस, देन ऑर्डर, डिवीजन एंड क्लास। सी है डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस। देन डी है फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, फैमिली, स्पीशीज, ट्राइब्स। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का डिसेंडिंग सीक्वेंस में। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर जो है वो सी है। जो करेक्ट सीक्वेंस है, डिसेंडिंग सीक्वेंस जो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का, वो है डिवीजन आएगा पहले, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन ट्राइब, देन जीनस। ओके, ये देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए वो सेम क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी में मैंने ट्रांसलेट करा है। हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होती थी कि मैम क्वेश्चन जो है आप हिंदी में भी बनाया करो, इसलिए टाइम लग गया वीडियो अपलोड करने में। तो ये देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए है, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से आप अपना रेफरेंस ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाई नेचुरलाइजन फ्लैंजिन फैमिलिन इज रिटन बाय। ये जो बुक है डाई नेचुरलिजन फ्लैंजिन फैमिलिन, ये किसने लिखी थी। ठीक है, ये यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बुक का नाम दे रखा है, राइटर का नाम पूछा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए है बेंथम हुकर, ऑप्शन बी एंगलर एंड प्रैंडेल, ऑप्शन सी लीनियस एंड ऑप्शन डी हचिकसन। बताइए किसने लिखी थी ये वाली बुक। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है बी। ये डाई नेचुरलिजन फ्रांजे फैमिलिन इज रिटन बाय एंगलर एंड प्रैंडेन। ओके, दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। यहाँ पर वही क्वेश्चन जो है हिंदी में ट्रांसलेट करा गया है, बुक का नाम है यहाँ पर डाई नेचुरलाइजन प्लैंडे फैमिलिन, को इसने लिखा, किसने लिखा, तो किसने लिखा, एंगलर एंड प्रिंटेल ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो गया बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशियल स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया ऑन ग्राम स्टेनिंग इज ड्यू टू। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया आते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ये डिफरेंशिएशन जो होता है किसके बेसिस पे हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है डिफरेंस इन द सेल वॉल लेयर कंपोनेंट ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बी है डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड सी है डिफरेंस इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड डी है नन ऑफ द अबव। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो 2 टाइप के बैक्टीरिया मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन क्यों होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा ए।
क्यों डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया मिले? इसलिए मिले क्योंकि उनका जो सेल वॉल लेयर का कंपोनेंट है ना वो डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो गया ए। दिस इज फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन पर जीवाणुओं का अंतरीय अभिरंजन इस कारण होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ए। क्यों होता है? क्योंकि जो उनके कोशिका भित्ति के घटक है ना उसमें डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन। रूमिनेंट एंडोस्पर्म किसमें मिलता है, कौन सी फैमिली में हमें मिलता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑर्किडेसी, ऑप्शन बी रूबीएसी, ऑप्शन सी एनोनेसी, ये ऑप्शन डी एस्पलडेसी। बताइए कौन सी वो फैमिली है जिसमें हमें रूमिनेंट एंडोस्पर्म मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है सी, रूमिनेंट एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन एनोनेसी फैमिली। ओके, ये है ट्रांसलेशन फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। किस कुल में जुगाली भ्रूण पोष होता है? किस में होता है? एनोनेसी फैमिली में। ओके, देन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच वन इज नोन एज फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है माइकोप्लाज्म, ऑप्शन बी स्पाइरोकैट्स, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइसिट, ये ऑप्शन डी विब्रियो। बताइए कौन सा इसमें से फिलामेंटस बैक्टीरिया है? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया बी। ओके, देन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर। वो बैक्टीरिया जिसकी शेप कैसी होती है? कॉर्क स्क्रू शेप की। तो वो बैक्टीरिया कौन सा है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है बैसिली, ऑप्शन बी स्टॉक बैक्टीरिया, ऑप्शन सी स्पाइरोचैट्स या ऑप्शन डी एक्टिनोमाइसिट। बताइए कौन सा बैक्टीरिया कॉर्क स्क्रू शेप्ड होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है सी, कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया आर स्पाइरोचैट्स। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा था उसमें हमने ये देखा था कि जो स्पाइरोचैट्स होते हैं वो फिलामेंटस बैक्टीरिया भी हैं। ओके, नाउ दिस इज द रेफरेंस क्वेश्चन फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स वाले के लिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉर्क के आकार के जीवाणु होते हैं, कौन से होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा स्पाइरोचैट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। जब वायरस पार्टिकल आउटसाइड होता है लिविंग सेल के तब उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वायरॉन, ऑप्शन बी कैप्सिड, ऑप्शन सी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहुत ईजी है, जब वायरस लिविंग सेल में नहीं होता तब हम उसे वायरस ना कह के क्या कहते हैं? वायरॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो गया ए। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वालों के लिए यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जीवित कोशिका के बाहर विषाणु कण जीवित रहने वाले को कहते हैं? ऑप्शन ए वायरान, ऑप्शन बी कैप्सिड, ऑप्शन सी अनिवार्य परजीवी या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ए। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रियम ऑप्टेन फ्रॉम अ डेंजरस ड्रग इज। जो इलेक्ट्रियम होती है ये किससे ऑप्टेन हुई है ये यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए एक बेलियम, ऑप्शन बी स्कैजियम से, ऑप्शन सी ट्राइकोसैंथेस से, ऑप्शन डी इकाइनोसिस्टिस से। बताइए ये इलेक्ट्रियम किससे मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए। ये जो इलेक्ट्रियम है ये ऑप्टेन होती है इकाबेलियम से। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8
का ट्रांसलेशन हिंदी मीडियम में यह है एलेड्रियम, ये हानिकारक दवा इसमें पाई जाती है, मतलब किसमें पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ए। देन क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट इज, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का साइंटिफिक नेम पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैनेवेला इंसी फोर मिसेस, ऑप्शन बी इंडिको फ्रेंटनोटोरिया, ऑप्शन सी डेस्मोडियम ग्रेन्स, ऑप्शन डी ब्यूटिफ रॉन डोसा। बताइए इसमें से कौन सा साइंटिफिक नेम है इंडियन टेलीग्राफ प्लांट का। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सी डिस्मोडियम ग्राइंस, ये है साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए रेफरेंस क्वेश्चन ये है इंडियन टेलीग्राफ पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो क्या है? डेस्मोडियम ग्राइंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है सी। देन क्वेश्चन नंबर 10 है एड्स वायरस कॉन्टेंट, एड्स वायरस में क्या होता है। ऑप्शन ए सिर्फ डीएनए होता है, ऑप्शन बी सिर्फ आरएनए होता है, ऑप्शन सी डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, या ऑप्शन डी आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। बताइए एड्स वायरस में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है डी एड्स वायरस कॉन्टेन आरएनए प्लस प्रोटीन। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन है एड्स के वायरस में होते हैं, क्या होते हैं? आरएनए प्लस प्रोटीन। तो ये थे आज के हमारे 10 एमसीक्यू। कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को। और अगर अभी तक आपने अहम बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन हिट करना ना भूले, इससे आपको अपडेशन मिलती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।